व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे 1.5 किलो मैंने लिया चिकन, 3 पाव मैंने लिए हैं टमाटर, 2 मैंने प्याज मीडियम साइज़ के लिए, मैंने इसको चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया दही, यहाँ हरी मिर्चें, मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। अदरक लहसुन पे यहाँ पे लिया हरा धनिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं डालूंगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद डालूंगी प्याज। प्याज इसलिए डालते हैं कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो जाती है और मज़े की भी बनती है। हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने टमाटर को 2 हिस्से में काट लिया, ये देखिए 2 2 हिस्से मैंने काट लिए, आगे से मैंने ये उतार के 2 2 कर दिए हैं। अब मैं इसको ऐसे इसके ऊपर रख दूंगी। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून नमक। नमक पहले मैं 1 टीस्पून डालूंगी, चेक कर लूंगी, अगर कम हुआ तो फिर और डाल देंगे। 1 टीस्पून में डालूंगी सुरख मिर्च। इसमें हल्दी नहीं जाएगी, नमक मिर्च जाएगा। और आधा ग्लास में इसमें पानी डालूंगी। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसलिए कि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, प्याज भी छोड़ेगा और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। आधा ग्लास में इसमें पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसको ढक दूंगी। तो 5 मिनट के लिए मैं इसकी आंच तेज़ रखूंगी ताकि इसमें हीट आ जाए। उसके बाद मैं मीडियम आंच कर दूंगी। मीडियम 10 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटरों में से ऊपर से मैं ये छिलका उतार लूंगी। ये देखिए ऐसे, ये टमाटर के छिलके, जितने भी टमाटर के छिलके हैं ये मैं उतार लेती हूँ। टमाटर के सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब इसमें डालूंगी ऑयल, ये वाले मैं 2 चम्मच डालूंगी। कि अच्छी तरह मैं भुनाई कर लेती हूँ। अमूमन तो कढ़ाई में प्याज नहीं डलता, कुछ लोग डालते हैं। पंजाब में कढ़ाई में जरूर डालते हैं, इसलिए ग्रेवी बन जाती है कढ़ाई में, वो खुश खुश नहीं रहती। फिर इसकी मैं थोड़ी देर और अच्छी तरह भुनाई करूँगी कि इसका ऑयल निकल आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना कि बोटी टूट ना जाए। चिकन हमारा गल चुका है, बड़े हल्के हाथों से ऐसे इसको हिलाते रहना ताकि इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। नमक मिर्च मैंने अपने हिसाब से डाला है। आप अगर टिक्का खाते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ऑयल निकल आया है। अब मैं इसमें डालूंगी दही। दही के 3 चाहिए वाले चम्मच डालूंगी मैं। 1 2 3 इसके साथ ही मैं डालूंगी हरी मिर्चें। हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च। इसकी अच्छी तरह मैं करूंगी भुनाई। दही का भी कच्चापन खत्म हो जाए और इसकी अच्छी तरह भुनाई भी हो जाए। इसमें जो और ऑयल निकलेगा उसी ऑयल में इसकी भुनाई करेंगे। नमक मैंने चेक किया है, इसमें नमक कम है। हाफ टी स्पून में इसमें और नमक डालूंगी। अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है, तो ऑयल में अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह इसके ऑयल भी निकल आया है और मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई भी कर ली है। अच्छी खुशबू आने लग गई है माशाल्लाह इसकी। तो जब ये भुन जाए तो इसकी यही निशानी है कि इसकी अच्छी खुशबू आने लग जाती है।
थोड़ी देर में इसकी और बुनाई करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, ये देखिए बहुत ही मजे की बनी है कढ़ाई। ये देखिए जितना आप इसको ज्यादा भूनेंगे उतने ही मजेदार बनेगी। ये देखिए अच्छी तरह बनाई हो चुकी है माशाल्लाह। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा दूध, आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, मैं दूध डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मैं कर दूंगी मिक्स और थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी इसको मैं, बहुत ज्यादा नहीं आपने इसको पकाना, बस थोड़ी देर। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया, ओके माशाल्लाह। दूध मैंने इसलिए डाला है जो कढ़ाई है वो क्रीमी क्रीमी हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप चाहे क्रीम डालें चाहे दूध डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और इसमें ग्रेवी भी हो जाती है। ये देखें ऐसे ग्रेवी, ये देखें खुश खुश नहीं बनती, ये देखें। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह ये देखें कितनी मज़े की और इतनी खुशबूदार बन के कढ़ाई तैयार हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।